आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो न्यू व्लॉग में। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Cotton se bhi mil lo aap sab. Hello Cotton. तो आज का जो व्लॉग है मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग है और देखिए जो किचन हमारा है एकदम साफ़ सुथरा है, क्योंकि हमने रात को किचन क्लीनिंग की थी पूरी। बर्तन सारे धुले हुए हैं और यह है रात की बची बैंगन की सब्जी और गाजर का हलवा, और हमारी रोटियां भी बहुत सारी बची हैं रात की, तो हम यही सब गरम करके ब्रेकफास्ट में ले लेंगे। और साथ में हम आजकल गुनगुना पानी ले रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, और आप सब लोग भी गर्म पानी ही यूज़ कीजिए क्योंकि कोरोना भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। गर्म पानी पियेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए हम तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। दरवाजा खोल दो, खट 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 खट। कोई है घर पे? कौन है घर पे? मैं हूँ। घर पे कोई है? मैं हूँ। अरे कुछ चाहिए आपको? हाँ कुछ चाहिए। क्या? ये खिड़की है आपकी? हाँ ये खिड़की है। और एक कीवी को आजकल नया नया इस चीज का वो चढ़ा है शौक, सुबह उठते ही कहती है मेरे लिए टेंट हाउस बनाओ टेंट हाउस बनाओ। फिर इसका हम टेंट हाउस बनाते हैं जो कि थोड़ी देर में ही तोड़ देती है, और बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। हमारे माँ बाप भी झुके थे और हम भी अब अपने बच्चों के लिए झुक रहे हैं, तब अब एहसास होता है। ये देखो, और अगर हम नहीं बनाते तो इसका रिवोल्ट करने का तरीका जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ये अपने सॉक्स उतार के फेंक देती है, अपने पैजामे वजामे सब ऊपर कर लेती है। ये देखो टोपी उतार देगी कि मतलब मेरा काम नहीं हो रहा है, तो ये उल्टे उल्टे काम करना शुरू कर देती है। ये इस तरीके की हरकतें करती है। ये देखिए, ये इसका रिवोल्ट करने का तरीका है, असहयोग आंदोलन। ये देखिए, ये कपड़े वपड़े फेंकेगी अब यहाँ से। ये इसके कुछ तरीके हैं। चल टेंट में घुसो अपने, अब टेंट में घुसेगी अपने, देखो अब अपने टेंट में जाके छुप जाएगी ये उल्टे काम करके। और गुस्सा क्यों हुई है कि मेरे टेंट में आप लोग बिना खड़काए आ गए दरवाजे? ये इसका इश्यू है अभी फिलहाल। बाय बाय कर दो, घुस गए आप, बाय कर दो। मुंह तो दिखाओ। तो सुबह की छोटी मोटी क्लीनिंग करने के बाद, समेटने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ ऊपर किचन में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। ये है दाल, काले चने, वाइट वाले चने, और थोड़ी सी मैंने साबुत सॉरी चने की दाल ली है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद। तो मैं लंच बना लेती हूँ फटाफट से, अभी हस्बैंड लगा रहे हैं झाड़ू, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो अभी मैं फटाफट से पहले दाल वगैरह बना लेती हूँ ताकि लंच में टाइमली मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने चॉपिंग कर ली है, मैंने लहसुन प्याज टमाटर और हरी मिर्च कट कर ली है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है। मैं लहसुन और अदरक जो है इसमें कूट लूँगी मडलर में, क्योंकि अभी मैं मिक्सर यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो मैं फटाफट से ये ऐसे करके कर लेती हूँ। अब मैं ले रही हूँ सरसों का तेल, जिसमें मैं इस दाल को छौंकूंगी। मैं दाल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि छोले तो हैं नहीं,
मतलब मैं इसे दाल बोल रही हूँ। और हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि तूने ये छोलों में क्या क्या मिला दिया, काले चने और चने की दाल ये सब की मिला रही है। लेकिन चने जो छोले थे थोड़े कम थे, इसलिए मैंने ये चने वगैरह मिलाए हैं इसमें। तो चलिए दाल छौंक लेते हैं फटाफट से। सिंपल तरीका है, पहले मैं प्याज कॉल लूँगी, पहाड़ी में तो कॉल कहते हैं, फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक को जो मैंने मतलब कूटा है वो ऐड कर दूँगी इसमें। उसके बाद मैं इसमें टमाटो ऐड कर दूँगी। बस सिंपल है, जैसे दाल बनती है नॉर्मली उसी तरीके से मैं बनाऊँगी। तो इसमें कुछ ऐसी हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है, लेकिन अच्छी बनी थी ये दाल काफ़ी। मैं वॉइस ओवर बाद में करी इसलिए बता सकती हूँ आपको, तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। और यहाँ हल्द्वानी में तो धूप का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, आजकल बहुत ठंडा है। बस सारा दिन अंदर घुसे रहो और बिल्कुल भी मतलब कुछ निकलते नहीं बन रहा है कि बाहर धूप वूप देख लें ज़रा सा, बहुत ठंडा लग रहा है सच में। तो चलिए सर्दी के मौसम में गरम गरम खाना खाने के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं, रजाई में घुसें और गरम गरम खाना खाएं, यही तो हम करते हैं सर्दियों में और मोटे होते जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, अभी एक दो महीने रह गए हैं, फिर तो मार्च से फिर अब गर्मियाँ चालू हो ही जाएंगी। तो चलिए मैं दाल बना लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दाल मैंने तड़का लगा लिया है इसमें, अब इसे मैं दाल जो है इसमें ऐड कर दूंगी। और इससे मैं अच्छे से, पहले मैं दाल बनाने का मेरा एक ये बेसिक तरीका है कि मैं दाल को बिना पानी डाले अच्छे से भून लेती हूँ, उससे दाल अच्छी बनती है, ऐसा मेरा मानना तो है, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे दाल अच्छी बनती है। तो मैं इसे 5-6 मिनट के लिए ऐसी फुल फ्लेम पर इसे छोड़ दूँगी ऐसी, ताकि अच्छे से भुन जाए। उसके बाद मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। और ऐसे करके आप भी ट्राई कीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था, तो अब मैं इसे ऐसे करके छोड़ दूँगी। और कीवी अपने पापा के साथ मस्ती करने में लगी है, वो झाड़ू लगा रहे हैं तो वो उसे उन्हें लगाने ही नहीं दे रही है। ऐसी कभी कुछ लेके पहुँच जाती है, कभी कुछ लेके पहुँच जाती है, रास्ता ब्लॉक कर देती है। और हम लोग काम डिवाइड करके ही करते हैं, क्योंकि काम डिवाइड करके करने से वर्कलोड भी एक पे नहीं पड़ता है और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, और हमें अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। तो मिलजुल के ही काम करना चाहिए सबको घर पे। लड़की के काम देखिए कैसे लगी हुई है, यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं हम लोग, और ये मैडम यहाँ पे ये लगा के बैठ गई अपने झूले का डंडा। उठो, उठ जाओ, उठ जाओ भाई। तो चलिए मैंने दाल चढ़ा दी है कुकर में, और मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो अब मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने झाड़ू वगैरह लगा दिया है, तो मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। वैसे भी मुझे पोछे का काम अच्छा लगता है और इन्हें झाड़ू लगाना अच्छा लगता है, इसलिए ये काम हम लोग ऐसे ही करते हैं। और आजकल ठंडी के दिनों में ये जो मरे घर के बेसिक काम होते हैं ये करने भी काफ़ी मतलब टफ पड़ जा रहे हैं, जैसे तैसे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि घर को क्लीन रखना भी ज़रूरी है, हाइजीन इश्यूज़ हो जाते हैं। और बच्चा भी है घर में, तो हम कोशिश करते हैं हर दूसरे या तीसरे दिन हम पोछा लगा ही लेते हैं। और नीट एंड क्लीन आप भी रखिए घर को, क्योंकि वैसे ही बहुत बीमारियां चल रही हैं आजकल, और जितना हम शुद्धता में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। तो चलिए मेरा काम भी होता रह रहा है और साथ के साथ मेरी दाल भी बनती जा रही है, क्योंकि सीटियां मुझे सुनाई दे रही हैं। और अब मैं देखती हूँ दाल मेरी पक गई या नहीं, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
तो दाल जो है मेरी अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी, क्योंकि इससे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और चावल आज मैंने कढ़ाई में बनाए हैं, क्योंकि ये बासमती राइस है और कढ़ाई में भी जल्दी से बन जाते हैं और अच्छे खिले खिले से बनते हैं। अब मैं ये धनिया जो है ये इसमें ऐड कर दूँगी दाल में। और देखिए दाल कितनी अच्छी लग रही है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच कर लीजिए। अब मैं कीवी और उसके पापा को गरम गरम लंच लगा के दे देती हूँ, क्योंकि आजकल हम जो चावल वगैरह खाते हैं तो गरम गरम ही खाना चाहिए। लंच करने के बाद हम लोग रेस्ट करने लग गए थे और ये देखने लग गए थे मूवी। तो मैं शाम की चाय और नाश्ता बनाने किचन में जा रही हूँ और ये मूवी देख रहे हैं, साउथ इंडियन मूवी अखंडा, तेलुगु में है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ फिर भी देख रहे हैं। और मैं बना रही हूँ ब्रेड ऑमलेट और साथ में गर्मा गर्म चाय, तो आप लोग भी खा लीजिए हम लोगों के साथ। और फिर हो गया था नेक्स्ट डे मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और लंच में हम लोग खा रहे हैं मटर और गाजर पुलाव, काफ़ी टेस्टी बना था, कलर देख के ही आप बोल सकते हैं। चलिए प्रिय।